हेलो स्टूडेंट्स, तो बेसिकली आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से और करंट पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एवरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप में ही कॉम्प्लेक्स कहा जाने वाला टॉपिक दैट वन इज़ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। अगर आप लोगों ने कोई भी प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी तो उसमें आप लोग जब डेटा टाइप्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप लोग पढ़ते हैं इंटीजर डेटा टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप, कैरेक्टर डेटा टाइप। तो इंटीजर को इंट से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लोटिंग को फ्लोट से रिप्रेजेंट करते हैं, कार को कार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं जो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको मेमोरी में अगर आप स्टोर करेंगे तो कहीं ना कहीं वो बहुत सारा स्पेस लेने वाला है। एग्जैक्टली मेरा कहने का मतलब ये है कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट करने का या यूज़ करने का एग्जैक्टली मेन मोटिव क्या है ये है। सपोज दैट, ध्यान से देखना, मैंने कुछ मान लीजिए कि एग्जाम्पल लिखा, जैसे मान लो लिखा मैंने 978 और 1 2 3 4 5 6 7 8 और बढ़ा लेते, चलो 9 10 11। सपोज दैट एक आपका बहुत बड़ा नंबर है। मैंने हमेशा आप लोगों को एक चीज़ बताई कि कोई भी नंबर होता है वो कंप्यूटर में बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है। अगर आप लोग साफ देख रहे हो तो ये किस फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में। तो अगर इसे बाइनरी में कन्वर्ट करोगे सोचो कितना बड़ा मतलब नंबर बनेगा। तो क्या ये अगर इसे आप मेमोरी में स्टोर कराओगे तो ये बहुत ज़्यादा मेमोरी स्पेस लेने वाला है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है ये वाला कहा जाए। अगर बहुत स्मॉल नंबर हो, मतलब अगर मैं मान लूँ कहूँ कि बहुत स्मॉलर नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मान लो मैंने कोई नंबर ले लिया इस तरीके का, देखो ये नंबर बहुत बड़ा नंबर है और ये नंबर बहुत स्मॉल नंबर है। तो ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी बहुत बड़े नंबर को बहुत स्मॉलर नंबर को मेमोरी में स्टोर कराने के लिए या मेमोरी में रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का यूज़ करते हो। ये बात समझ में आ रही है? तो देखो, वेरी लार्ज नंबर और वेरी स्मॉल फ्रैक्शन के अगर नंबर हों तो क्या करते हैं, मोर मेमोरी स्पेस लेते हैं, मोर मेमोरी स्पेस लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, ऐसे बड़े और बहुत स्मॉलर नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने लिखा हुआ है टू रिप्रेजेंट द अदर नंबर विद लेस मेमोरी स्पेस देयर इज़ अ नीड ऑफ स्पेशल फॉर्मैट कॉल्ड एज फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मैट। मतलब ऐसे बड़े नंबर को मेमोरी में रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोगों के पास एक फॉर्मेट है जिसका नाम है फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट है। ठीक है, मीन्स अगर आपको बहुत बड़े नंबर और बहुत छोटे नंबर को मेमोरी में रिप्रेजेंट करना है ना, या फिर कहीं ना कहीं शो करना है, तो उसके लिए आप लोगों को बहुत सारे मेमोरी स्पेस चाहिए होगा, तो लेस मेमोरी लेते हैं। इस केस में एक स्पेशल फॉर्मेट है जिसे फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट कहते हैं। तो अगर आप वो यूज़ करोगे तो ये लेस मेमोरी लेने वाला है। बहुत शानदार ये टॉपिक, बहुत पेशेंस के साथ आप लोग पढ़ोगे तो सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। तो मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, जनरल फॉर्म ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट इज प्लस माइनस एम एस्ट्रिक मीन्स मल्टीप्लीकेशन बी प्लस माइनस ई। तो यहाँ पर प्लस माइनस आपका साइन है, ठीक है, जो एम है, आप लोग नई नई टर्म से अभी गुजर रहे, दैट वन इज मंटीसा, इसे हम लोग मंटीसा बोलते हैं। जो बी है वो आपका बेस है और बेस को कहीं ना कहीं रेडिक्स भी बोलते हैं, और ई है, ई आपका एक्सपोनेंट है, ये आपका एक्सपोनेंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, तो आप लोगों को ध्यान रहेगा m रिप्रेजेंट्स मेंटीसा, b बेस प्लस माइनस e। देखो यार, एक चीज़ मैं अभी स्टार्टिंग में इस लेक्चर में बता दे रहा हूँ, आप लोग अगर पूरा लेक्चर समझोगे या फिर कुछ टाइम तक गुजारोगे इन लेक्चर्स के साथ तभी आपको ये चीज़ें समझ में आने वाली हैं। क्योंकि जब तक मैं थ्योरी नहीं बताऊँगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं बताऊँगा, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे। क्योंकि आगे आने वाले टाइम में मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला हूँ, मीन्स किसी भी बिगर नंबर को कैसे मैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में रिप्रेजेंट करूँगा वो मेरा टारगेट रहेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, मैंने एक और लाइन यहाँ पर ऑलरेडी लिख के रखी हुई है कि टू स्टोर एनी नंबर, किसी भी नंबर को इनटू फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट में अगर आपको लिखना है या रिप्रेजेंट करना है तो पहले ये वेरीफाई करो कि द नंबर इज इन जनरल फॉर्मेट और नॉट। एक
फ्लोटिंग पॉइंट में रिप्रेजेंट करने से पहले, जैसे कोई बड़ा नंबर है मान लो ये 978 जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, इसी को मुझे फ्लोटिंग पॉइंट में अगर रिप्रेजेंट करना है तो पहले मुझे इसे एक जनरल फॉर्म में लाना पड़ेगा। जनरल फॉर्म क्या है, कुछ इस तरीके से जनरल फॉर्म होगी, धीरे धीरे समझ में आएगा। तो पहले आप हमेशा ध्यान दो, किसी भी नंबर को अगर आप में मेमोरी में फ्लोटिंग पॉइंट की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है तो पहले ये चेक करना पड़ेगा पहला स्टेप कि वो जनरल फॉर्मेट में है कि नहीं है। तो जनरल फॉर्मेट आपका क्या है, m इंटू बी प्लस माइनस ये। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। जैसे मान लो कि एक नंबर है एग्जांपल 1, ठीक है, मैंने वही जो ऊपर बड़ा वाला नंबर लिया था वही लिया कि 978 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम्स 0। इस नंबर को मुझे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में रिप्रेजेंट करना है तो पहले इस नंबर को हमेशा ये करना पड़ेगा, इस नंबर को आपको कुछ ना कुछ करके इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, ठीक है। अगर साफ दिख रहा हो तो इस नंबर के इनटू में इसका बेस क्या हुआ है, डेसिमल नंबर है तो बेस क्या है 10, इस समय क्या है 10 to the power 0, एम आर राइट? हाँ जी। अब खास बात यह है कि 10 to the power 0 है तो मैं इसको इस फॉर्मेट में कैसे लेके आऊँ, बेस प्लस एक्सपोनेंट। तो खास बात ये थी, अगर इस ऑपरेशन पे मतलब इस नंबर पे अगर मैं शिफ्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म कराऊं, शिफ्ट राइट ऑपरेशन, ध्यान से देखना आप लोग क्या मैं करने वाला हूँ, ये भी आप लोगों को धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी। शिफ्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने का मतलब ये है कि एग्जैक्टली अगर सही मायने में कहा जाए तो इस समय डेसिमल आपका कहाँ हो पगा, यहाँ पर। अगर मुझे इस डेसिमल को उठा के यहाँ लेके आना है तो इस पर्टिकुलर पूरे नंबर को कितनी बार राइट शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 times 13 ऑपरेशन 13 times। तो पता है 13 टाइम्स अगर राइट शिफ्ट करोगे तो एग्जैक्टली ये आपका बनने वाला है 9.78। और ऑलवेज रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि व्हेन द शिफ्ट राइट ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन द मंटीसा, एक तरीके से अगर सही बात कहे तो मैं इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश कर रहा था, ये आपका मंटीसा हुआ, ये बेस हुआ, ये एक्सपोनेंट हुआ। लेकिन रियलिटी में अगर इतना बड़ा नंबर लोगे तो रिप्रेजेंट करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। अगर सही मायने में देखा जाए तो मैं क्या करूँ, ध्यान से देखना और मेरा पॉइंट सुनो कि व्हेन द शिफ्ट राइट ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन द मंटीसा The exponent value is incremented। मतलब जो एक्सपोनेंट है, ध्यान से देखना, 10 प्लस कितना हो जाएगा, हम लोगों ने कितने शिफ्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म किए, 30। सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नंबर, ठीक है। जैसे मान लो, तो मैंने एक चीज़ बताई क्योंकि अगर आप कभी भी, ये आपका मेंटीसा, ये बेस एक्सपोनेंट मेंटेना से मेंटीसा पे अगर आप कभी भी शिफ्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो हमेशा एक्सपोनेंट पॉजिटिव फॉर्म में जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट धीरे धीरे देखेंगे, मान लो मैंने अनादर नंबर लिखा वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 7 8, ठीक है, ये नंबर लिखा हुआ। अगर इसको स्टार्टिंग लेवल पे देखोगे यही सिचुएशन होगी, अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे तो देखोगे ये आपका मेंटीसा पार्ट है, ये आपका बेस पार्ट है, ये एक्सपोनेंट है ना। तो एक और चीज, जब आप ये आपका मेंटीसा पार्ट है, हमेशा ध्यान देना, मेंटीसा पार्ट पे अगर शिफ्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो आपका जो एक्सपोनेंट होता वो इंक्रीमेंट होता है। अगर मेंटीसा पार्ट पे अगर आप लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो क्या आता है, एक्सपोनेंट आपका डिक्रीमेंट होता है। मतलब क्या, ध्यान से देखो, रूल के अकॉर्डिंग मैं ये चाहता हूँ जैसा ये एक्सप्रेशन बने वो कुछ ऐसा बने, मेरे को डेसिमल यहाँ से उठा के कुछ यहाँ लेके आना है, तो इसका मतलब जीरो इधर भेजूँगा, जीरो इधर भेजूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगर यहाँ लाना है 10, तो मतलब लेफ्ट कितनी बार परफॉर्म करने वाला हूँ मैं, यहाँ पर 10 टाइम्स परफॉर्म करने वाला, तो इस समय ये बन जाएगा। जब ये ध्यान देना, डेसिमल वहीं रहेगा, ये लेफ्ट शिफ्ट जीरो का होगा, इसी तरीके से डेसिमल वहीं जगह, ये जीरो का राइट शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा 9.7 इंटू 10 to the power what -10। ध्यान से सुनो, ये एक माना एक्सप्रेशन। तो मतलब अगर किसी भी नंबर को अगर आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में रिप्रेजेंट करना है तो पहले उसे जनरल फॉर्म में लेने आना पड़ेगा। ये आपका जनरल फॉर्म में आ गया, तो ये जो जनरल फॉर्म में आया, ये क्या परफॉर्म करने के बाद, शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन हाउ मेनी टाइम, 10 times। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक। अब मुद्दा ये है कि ये जो फॉर्मेट है, सॉरी मतलब थोड़ा सा नीचे चलते हैं, मुझे पता नहीं था आप लोगों को नहीं दिख रहा है, ठीक है।
अब ध्यान से सुनना, मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान से पढ़ोगे जो लास्ट में मैंने लाइन लिखी है कि स्टोर टू स्टोर द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इन द मेमोरी। अगर किसी ये अगर सही माने में देखा जाए तो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर है, इसको अगर है लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत ज़्यादा मेमोरी लेने वाला है। टू स्टोर द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देयर इज़ अ नीड ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ये जो फॉर्म है ये जनरल फॉर्म है, और जो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, उसी पे हम लोगों का मेन फोकस रहेगा जो कि अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है आपका, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसके थ्री पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? थ्री पार्ट्स। प्लीज़ रिमेंबर द आइडिया, या आप लोगों को एक एक चीज़ बहुत ध्यान से पढ़नी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, तभी आप लोग आगे जाओगे। मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ। पहला थ्री पार्ट्स, पहला होता है आपका साइन, सेकेंड पार्ट होता है जो कि आपके लिए नई टर्म है बायस्ड एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं इसे? बायस्ड एक्सपोनेंट। एंड थर्ड वन इज योर मेंटीसा। थर्ड वन इज योर मेंटीसा, मतलब किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को अगर आपको मेमोरी में स्टोर कराना है तो वो मेमोरी में स्टोर होगा, बट एक स्पेशल फॉर्मेट में स्टोर होगा, एक स्ट्रक्चर में यूज होगा, जिसका स्ट्रक्चर में थ्री पार्ट्स होते हैं। पहला होता है आपका साइन, और दूसरा होता है बायस्ड एक्सपोनेंट, तीसरा होता है मेंटीसा, ठीक है। तो इन तीनों को डिटेल में पढ़ाने के लिए मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ कि लेट अस कंसीडर। मैं देखो फॉर्मल और जो मेन चीज़ है उस पर बाद में जाऊँगा, पहले थोड़ा सा स्लो स्लो बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं। मैं एक काम कर रहा हूँ कि लेट अस कंसीडर अ हाइपोथेटिकल 20 बिट फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट। तो आप लोगों को जो हमेशा याद रखना है वो ये याद रखना है, देखो जो आपका फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट होगा उसका साइज डिफरेंट होता है। कुछ स्टैंडर्ड साइज होते हैं, जो स्टैंडर्ड साइज होते हैं उनकी मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अभी मैंने जो साइज ले रखा है वो हाइपोथेटिकल है 20 बिट्स का। तो ध्यान देंगे, मान लो ये एक फॉर्मेट है जो कि टोटल 20 बिट्स का है। कितने बिट्स का है? 20 बिट्स का है। हाइपोथेटिकल है, ये स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड बाद में। तो ऑलवेज रिमेंबर, जो भी आपका हाइपोथेटिकल फॉर्मेट होगा उसमें तीन चीज़ होंगी। पहली चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, दैट वन इज योर साइन, SIGN साइन। दूसरा आपका बायस्ड एक्सपोनेंट जो मैंने ऊपर लिखा हुआ। तीसरी होती है आपकी मेंटीसा, ठीक है। इतनी बार समझ में आ रही है, ठीक है। तो जो साइन होगा आपका, ऑलवेज रिमेंबर, साइन जीरो पॉजिटिव होता, वन नेगेटिव होता, तो वन बिट का होगा। बायस्ड एक्सपोनेंट मान लो 6 बिट का है, और मेंटीसा मान लो 13 बिट्स का है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब पूरा फोकस अब मेन चीज़ पे आ गया। अब मैं एक एक करके चीज़ आप लोगों को बताऊंगा, तो ध्यान दो। पहली पॉइंट है साइन। तो एक बात बताओ, SIGN साइन, साइन की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? साइन की दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। अगर साइन की वैल्यू 1 है और साइन की वैल्यू 0 है, तो 1 का मतलब साइन नेगेटिव है और 0 का मतलब साइन आपका पॉजिटिव। सेकंड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और जिसके हेल्प से सब कुछ होने वाला आगे आने वाले टाइम में, वो है आपका बायस्ड एक्सपोनेंट। क्या है आपका बायस्ड एक्सपोनेंट? इसको आप लोग मैं एक बार ही लिख देता हूं। तो बायस्ड एक्सपोनेंट एग्जैक्टली क्या होता है, ध्यान से सुनना। बायस्ड एक्सपोनेंट इज इक्वल टू एक्चुअल एक्सपोनेंट प्लस बायस। देखो यार, आप लोग सोच रहे हो क्या बवाल पढ़ा रहे हो सर? भाई बवाल नहीं है, ये आपका बेसिक है, इसी के बेसिस पे आपकी सारी चीज़ें कवर अप होने वाली। तो हैव सम पेशेंस। एक्चुअल एक्सपोनेंट यू नो वेरी वेल, बट यू डोंट नो अबाउट द बायस। तो बायस इज अगर डेफिनेशन की बात करो, मैक्सिमम पॉसिबल पॉजिटिव एक्सपोनेंट, इट्स वैल्यू इज डिपेंडिंग ऑन बायस्ड एक्सपोनेंट फील्ड्स है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, एक एग्जांपल लेके चीज़ों को समझा रहा हूँ। देखो भाई, मैंने क्या किया, जैसे बायस्ड एक्सपोनेंट फील्ड साइज लिखा, तो बायस्ड एक्सपोनेंट फील्ड साइज हमने कितना अज्यूम कर रखा है, 6 बिट ऊपर फॉर्मेट में, ठीक है। इसकी रेंज बता रहा हूँ और रेंज से बायस्ड एक्सपोनेंट निकालना सिखा रहा हूँ। पहले बायस निकालना सीखेंगे, अगर बायस सीख जाएंगे तो बायस्ड एक्सपोनेंट अपने आप निकालना सीख जाओगे, क्योंकि बायस्ड एक्सपोनेंट आपका क्या होता है, एक्चुअल एक्सपोनेंट प्लस बायस। बायस हम लोग निकालना सीख रहे हैं क्या होता है, ध्यान से देखो। तो 6 बिट के लिए हमेशा ध्यान देना, जो टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मूला होता है साइंड में, अगर आप लोगों को याद हो
तो अभी तो आप लोग इतना ध्यान रखो, हमेशा ध्यान दो, फॉर्मूला या मतलब ये कि 6 बिट से हम लोग कितने नंबर का फॉर्मेशन कह सकते हैं। जैसे मान लो मैं एक चीज़ आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखना। मान लो कि तुम्हारे पास 2 है, ठीक है, 2 बिट का स्पेस है, आप इतने नंबर से कितने का फॉर्मेशन कर सकते हो? 00 01 10 11। तो ये क्या हुआ 0, ये क्या हुआ 3, तो इसकी रेंज क्या हुई 0। अगर सही माने में देखा जाए सारे पॉजिटिव तो अनसाइंड रेंज होगी। इसी तरीके से साइंड मतलब नेगेटिव में भी कुछ बन सकता है, इधर 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 इधर, एम आई राइट? तो वो इसकी रेंज होती है, मतलब 6 बिट से आप कितने नंबर बना सकते हो, वो इसकी रेंज होगी। आप ध्यान से देखो, तो 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ ये रेंज होती है, अगर 6 बिट से कितने नंबर आप ले सकते हो माइनस पॉजिटिव में। तो ध्यान से सुनो, फॉर्मूला होता है एक तरीके से 2 to the power n-1, तो 6-1 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक, 2 plus 2 to the power n-1 -1, तो 2 to the power 6 -1 -1, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो तो 2 to the power 6 - 1 कितना होता है, 2 to the power 5, 2 to the power 5 कितना होता है -32, और ये 2 to the power 5, 2 to the power 5 का मतलब 32 - 1 + 31। तो ध्यान से सुनो, जो आपका बायास होता है वो एग्जैक्टली होता है ये बायास होता है। बायास इज द मैक्सिमम पॉसिबल पॉजिटिव एक्सपोनेंट, मैक्सिमम पॉसिबल पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो पॉजिटिव और मैक्सिमम 6 डिजिट से यही मैक्सिमम है, तो यही आपका बायास होगा। मैंने लिखा है इट्स वैल्यू इट्स डिपेंड्स ऑन बायास एक्सपोनेंट फील्ड साइज। अगर ये 6 बिट है तो ये 31 हो गया। बात समझ में आ रही है? अच्छा मान लो एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर मान लो ये 9 बिट होता तो कैसे निकालते हैं? तो ध्यान से सुनो, -2 to the power 9 - 1, 2 plus 2 to the power 9 - 1 - 1, ठीक है। तो 2 to the power 9 - 1 मतलब 8 to the power 8 कितना हो गया? हाँ जी, -256, 2 to the power 256 - 1 255, तो प्लस। तो ये आपका बायास हो गया 9 के लिए, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी आगे चल के। तो अगर सही मायने में अगर आप लोग फॉर्मूला इजाद करो, तो अगर आपके पास n बिट, तो ये फॉर्मूला तो आप लोगों को ऑलरेडी पता भी, तो मैं दोबारा लिखवा रहा हूँ, 2 to the power n - 1, हाँ जी ठीक, 2 plus 2 to the power n - 1 - 1, ठीक है, ये भी जानते हो। तो जनरली आप लोगों को कुछ नहीं, इतना रामायण याद नहीं करके नहीं रखनी है, आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है, ये जो आपका निकल रहा है बायास एग्जैक्टली किस फील्ड से निकल रहा है, इस फील्ड से निकल रहा है ना, देख लो। तो आप लोगों को बस इतना याद रखना है, कोई भी मतलब बायास एक्सपोनेंट फील्ड साइज मिलेगी, आप उसमें ये फॉर्मूला लगा देना लास्ट वाला, 2 to the power n - 1 - 1, अगर ये आपको याद रहेगा तो आप कभी भी बायास निकाल सकते हो, ठीक है। तो बायास एक्सपोनेंट हो गया आपका एक्चुअल एक्सपोनेंट प्लस बायास। बायास निकालना मैंने सिखा दिया, कैसे निकलता है बायास इज मैक्सिमम पॉसिबल पॉजिटिव एक्सपोनेंट, यू नो वेरिएबल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो पहला इस फील्ड के बारे में पता चल गया, साइन क्या होता है, बायास्ड एक्सपोनेंट क्या होता है। अब बात करते हैं मेंटिसा की, ठीक है। तीसरा पॉइंट है आपके मेंटिसा, तो एक लाइन आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइज्ड फॉर्मेट। तो जो जनरल फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज, आप लोग ध्यान से देखो, इज हमेशा ध्यान रखना, कुछ भी लिखोगे आप लोग 1 पॉइंट, ये आपकी नॉर्मलाइज्ड फॉर्म है, कुछ इस फॉर्म में लिखोगे। अब आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। देखो एग्जैक्टली क्या है, ये 1 जो है वो आपका बाय डिफॉल्ट है, जो b है उसकी वैल्यू आपकी होगी 0 या 1, ये चीज ध्यान रखना। तो हमेशा ध्यान देना, द एडवांटेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज 1 बिट स्पेस इज सेव्ड, मींस टू सेव व्हाट। देखो अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो स्टार्टिंग में कोई इस नंबर को मैंने यहां पर लिखा था, इस पूरे नंबर को, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये, एक तरीके से आप लोग अगर ध्यान दो, ये जनरल फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है m इंटू बेस प्लस एक्सपोनेंट। तो जनरल फॉर्म में भी जो मेंटिसा पार्ट था, ये वाला पार्ट को भी मैंने समथिंग 1 बिट प्लस समथिंग में कुछ लिखा था। हमेशा ध्यान रखना ना, 1 पॉइंट समथिंग की फॉर्म में हम लोग मेंटिसा को नॉर्मलाइज करते हैं, वो नॉर्मलाइज फॉर्म होती है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मेंटिसा की नॉर्मलाइज क्या होती है, आप जिस सिंपल बताओगे 1.BBB00B की फॉर्म कुछ भी हो सकती है। अब वो चीज़ें देखो यार, अभी कुछ चीज़ें मैंने डिफाइन करी हैं कि साइन क्या होता है ना। तो देखो ये जो फॉर्म है ये जनरल फॉर्म है, ठीक है। जो इंटरनल स्ट्रक्चर के कॉम्पोनेंट्स हैं, वो ये हैं आपके साइन, बायास्ड एक्सपोनेंट, मेंटिसा। अभी भी मैं जानता हूँ आप लोग बहुत
कंफ्यूजन में होंगे कि हो क्या रहा है। तो अभी आप लोग इतना समझो कि जो भी मैंने पढ़ाया वो एक तरीके से थ्योरी है, इसके मेन बेसिक एस्पेक्ट्स हैं। तो बेसिक एस्पेक्ट्स को जब समझ लोगे, हमेशा ध्यान देना जो आपका फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट होता है उसका स्टैंडर्ड होता है कुछ, लेकिन हम यहाँ हाइपोथेटिकल लेके चल रहे हैं कि 20 बिट का है, लेकिन उसमें होते तीन एलिमेंट ही हैं, साइन होता है, बायस्ड एक्सपोनेंट होता है, मंटीसा होता है। साइन यू नो वेरी वेल, मंटीसा यू नो वेरी वेल। तो मंटीसा जो अभी हम लोग पीछे जनरलाइज करके आए थे या नॉर्मल बना के आए थे, जनरल फॉर्म में वेरीफाई करा, तो वो वन पॉइंट की फॉर्म में आपको लिखना रहेगा। बायस्ड एक्सपोनेंट कैसे निकलेगा, एक्चुअल एक्सपोनेंट प्लस बायस, बायस निकालना सिखा दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। प्लीज़ हैव सम पेशेंस, कंटिन्यूसली आप लोग लेक्चर देखते रहे तभी चीज़ें समझ में आएंगी। ओके,